ओम शांति। 14 अक्टूबर साकार मुरली। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे अच्छे ते अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है, कैसे? उत्तर, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं, तो भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, वह तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया, यही है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं और यह भी जानते हैं यह बाबा गुरु के रूप में आए हैं हम बच्चों को ले जाने। बाप भी कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं आया हूँ तुमको यहाँ से ले जाने। यह पुरानी दुनिया बन गई है और यह भी जानते हो कि यह दुनिया छीछी है। तुम बच्चे भी छीछी बन गए हो, अपने को आपे ही कहते हो। पतित पावन बाबा, आकर हम पतितों को इस दुखधाम से शांति धाम में ले जाओ। अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो तो ये दिल में आना चाहिए। बाप भी कहते हैं, मैं तुम्हारे बुलावे पर, निमंत्रण पर आया हूँ। बाप याद दिलाते हैं, बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ। अभी तुमको स्मृति आई है, हमने बुलाया है, अब बाबा आए हुए हैं। ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल, वो लोग प्लान बनाते हैं ना, यह भी शिव बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान है ना, 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं, उसमें यह यह करेंगे। बातें देखो कैसे आकर मिलती है। आगे ये प्लान आदि नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारे बाबा का प्लान यह है। ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मैंने यह प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वैश्यालय में पड़े हो, अब मैं आया हूँ तुमको शिवालय में ले जाने। वह शांति धाम है निराकारी शिवालय और सुखधाम है साकारी शिवालय। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तुम बाप के सन्मुख बैठे हो ना, बुद्धि में निश्चय तो है बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, यह भी जानते हो। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं, फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिले हैं, सतयुग से लेकर सुख और दुख का पाठ बजाया है। अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पाठ पूरा होता है, सुख का पाठ भी पूरा 21 जन्म बजाया है, फिर आधा कल्प दुख का पाठ बजाया। बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है। बाबा पूछते हैं, बरोबर ऐसे है ना, अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बजाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती है, फिर बाप भरपूर करते हैं। तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी है, गले में ज्ञान की माला है, बरोबर हम चक्र लगाते रहते हैं। सतयुग
त्रेता, द्वापर, कलयुग फिर आते हैं इस स्वीट संगम पर, इनको स्वीट कहेंगे। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे से अच्छा पार्ट है, तुम कितने लकी हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो, वह आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी उच्च कितनी सहज पढ़ाई है, कितना तुम धनवान बनते हो, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर इंजीनियर आदि कितनी मेहनत करते हैं, तुमको तो वर्षा मिलता है बाप की कमाई पर, बच्चे का हक होता है ना। तुम यह पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो, वहां तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है जो बाप को याद करना पड़े। इनको ही अजपा जाप कहा जाता है, तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बाप भी कहते हैं मैं आया हूं, दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए, पांच विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया है, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है, ये बुद्धि में आना चाहिए। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ, फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट, बाप तो है सर्वशक्तिमान, तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है, वह बादशाही हमसे कोई छीन न सके, इतनी ताकत मिलती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, कितना उनसे डरते हैं, एक राजा की कितनी प्रजा लश्कर आदि होता है, परंतु वह है अल्पकाल की ताकत, यह फिर है 21 जन्मों की ताकत। अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिवान बाप से ताकत मिलती है विश्व पर राज्य करने की, लव तो रहता है ना। देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना लव रहता है, जब सन्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा। याद की यात्रा से यह सब तुम ताकत ले रहे हो, यह बातें भूलो नहीं, याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो। सर्वशक्तिमान और कोई को नहीं कहा जाता, सबको शक्ति मिलती है, इस समय कोई में शक्ति नहीं है, सब तमो प्रधान है, फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है, फिर अपने राजधानी में जाकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं, अपना हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिमान बनते हैं। पहले नंबर में है इन देवताओं में शक्ति, यह लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र है, जैसे तुम्हारी आत्मा में यह नॉलेज है वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है, अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं। ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है, फिर वह पार्ट 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर लाइफ में रहते हैं, फिर कब स्टेज पर आते हैं, जब तुम दुखी होते हो, तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, कितनी छोटी आत्मा है उनमें कितनी समझ रहती है,
बाप आकर कितनी समझ देते हैं। फिर वहां सतयुग में यह सब भूल जाते हो। सतयुग में तुमको यह नॉलेज होती नहीं, वहां तुम सुख भोगते रहते हो। यह भी अभी तुम समझते हो। सतयुग में हम सुदेवता बन सुख भोगते हैं, अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर सुदेवता बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। किसको समझाने में खुशी होती है ना? तुम जैसे प्राण दान देते हो। कहते हैं ना, काल आकर सबको ले जाते हैं, काल आदि कोई है नहीं। यह तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूं, फिर दूसरा लेता हूं, मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है, इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जल। कितना यह वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जल में सजाए खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। सजा क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना। यह बेकायदे काम किया है, इनको दुख दिया है। वहां सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर पाप आत्मा बन जाते हैं। सभी पाप भस्म कैसे होंगे? सो तो बच्चों को समझाया है, इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। बाप कहते भी है, मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का यह स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है, किसने यह ज्ञान दिया उनको भी याद करना है। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, बनाते तो हैं, परंतु फिर रोज रोज नए आते हैं तो उनको रिफ्रेश करना होता है। तुमको सारा ज्ञान मिला है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। 84 का चक्र लगाया, अब फिर वापस जाना है। ऐसे चक्र फिराते रहते हो। बाप जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं। चक्र फिराने में कोई तकलीफ नहीं है, फुर्सत तो बहुत मिलती है। पिछाड़ी में तुम्हारी यह स्वदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी। तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग तो यह शिक्षा दे नहीं सकते। स्वदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही जानते नहीं हैं। वह तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा जी पर। कितने स्नान करते हैं, बहुत स्नान करने से गुरुओं की आमदनी होती है। घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते हैं। अब उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है। यह यात्रा वह सब यात्राएं छुड़ा देती है। यह यात्रा कितनी सहज है। चक्र भी फिराओ, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फिरे, फिर भी हरदम दूर रहे, बेहद के बाप से दूर रहे। यह तुमको महसूसता आती है। वे लोग इस अर्थ को नहीं जानते, अभी तुम जानते हो। बहुत फेरे लगाते रहे, अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। फेरे लगाते कोई नजदीक नहीं आए हो, और ही दूर गए हो। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाप को ही आना पड़ता है, सबको साथ ले जाने। बाप कहते हैं, मेरी मत पर तुमको चलना ही है, पवित्र बनना है, इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है। जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना पड़ता है। बाप संगम पर ही आते हैं वर्षा देने। बेहद के बाप का है बेहद का वर्षा।
बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा है, उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है। तुमको तो वर्षा ही मिलता है, वहां तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला। वहां तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है, क्योंकि तुम बाप को याद कर माइट लेते हो। पाप काटने वाला पतित पावन एक ही बाप है। बाप को याद करने और स्वदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप करते हैं, यह अच्छी रीति नोट करो। यही समझना बस है, आगे चल तुमको टिक टिक नहीं करनी पड़ेगी, एक इशारा ही बस है। बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आते हो, यह तो याद है ना? और कोई की भी बुद्धि में यह बात नहीं आती, यहां तुम आते हो, बुद्धि में है। हम जाते हैं बाप दादा के पास, उनसे नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब जो तुम्हारे जीवन हीरे जैसी बनाते हैं उनको देखो, यह भी तुम समझते हो, इसमें देखने की कोई बात नहीं। या तुम दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो, आत्मा ही पड़ती है इस शरीर द्वारा, ये ज्ञान अभी मिला है। हम जो कर्म करते हैं आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करती है। बाबा को भी पढ़ाना है, उनका नाम तो सदैव शिव ही है, शरीर के नाम बदलते हैं। यह शरीर तो हमारा नहीं है, यह इनकी मिल्कियत है। शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है, जिससे पार्ट बजाती है। यह तो बिल्कुल सहज समझ की बात है। आत्मा तो सब में है, सबके शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है। यह फिर है परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा, ऊंचे ते ऊंच है। अभी तुम समझते हो भगवान तो एक है क्रिएटर, बाकी सब है रचना, पार्ट बजाने वाले। यह भी जान गए हो कैसे आत्माएं आती हैं। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती है थोड़ी, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। ये सृष्टि चक्र की जैसे माला है जो फिरती रहती है। माला को तुम फिराते हो तो सब दानों का चक्र फिरता है ना? सतयुग में भक्ति जरा भी नहीं होती। बाप ने समझाया है, हे आत्माएं माम एकम याद करो, तुमको घर जरूर लौटना है, विनाश सामने खड़ा है। याद से ही पाप कटेंगे और फिर सजाए खाने से भी छूट जाएंगे, मर्तबा भी अच्छा पाएंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूं, मैं सारे विश्व को चेंज करता हूं, पुराने विश्व को नया बना देता हूं। तुम भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर विश्व को चेंज कर पुराने विश्व को नया बना देते हैं। यह विश्व नए से पुरानी, पुरानी से नई होती है ना? तुम इस समय चक्र फिराते रहते हो। बाप की बुद्धि में ज्ञान है, वर्णन करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में भी है चक्र, कैसे फिरता है तुम जानते हो। बाबा आया हुआ है, उनकी श्रीमत पर हम पावन बनते हैं, याद से ही पावन बनते जाएंगे, फिर उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ भी कराना जरूरी है, पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं। जो आते हैं उनको तुम 84 के चक्र पर समझाते हो। बाप को याद करने से
तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी पॉइंट, इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल, पूरा वर्षा लेना है, अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। वरदान, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भाव। विस्तार है, कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कि कहीं फंस न जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो यहां भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए, कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। स्लोगन, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.